हेलो एवरीवन, टैरेट विद एम सिंह में मैं एम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आप दोनों की आज की एनर्जीज़ लेकर। देखते हैं कलेक्टिव लेवल पे आप दोनों की आज की एनर्जीज़ कैसे रहने वाली हैं। तो शुरू करते हैं गाइस, लेके प्रभु का नाम, हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय मेरे भाई। सबसे पहले मैं बता दूँ कि आज है न्यू मून अमावस्या। अमावस्या की एनर्जी मैं थोड़ी देर में आपके लिए पोस्ट करूँगी। अमावस्या की एनर्जी यहाँ पर कैसी हो सकती है, आपके लिए क्या एनर्जीज़ हैं, आपके पार्टनर के लिए क्या एनर्जीज़ होंगी, इस पर भी मोनोलॉजी से हम करंट फीलिंग्स नेक्स्ट एक्शन में बात करेंगे। देखते हैं ओवरऑल आज का दिन आप दोनों का कैसा रहने वाला है। तो इस एनर्जी में हम आपकी भी एनर्जी चेक करते हैं और आपके पार्टनर की भी। सो शुरू करते हैं आज की रीडिंग। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति। मेरे व्यूअर्स की एनर्जी होगी मेरे राइट साइड में हमेशा की तरह, आपके पार्टनर्स की लेफ्ट साइड में, और जो भी व्यूअर्स सिंगल हैं वो सिर्फ राइट साइड की एनर्जी को फॉलो करेंगे। राइट साइड में व्यूअर्स, लेफ्ट साइड में आपके पर्सन, ठीक है। सो ये है गाइस आपकी एनर्जी और ये आपके पर्सन की। आपकी तरफ फर्स्ट कार्ड वी हैव हायरोफेंट, देन वी हैव फाइव ऑफ वांड्स, किंग ऑफ वांड्स, टू ऑफ वांड्स, नाइट ऑफ वांड्स, टू ऑफ कप्स। ओवरऑल एनर्जी है एम्परर। ऐसा लग रहा है जैसे आज के दिन थोड़ा सा आप कंफ्यूज्ड हो सकते हो अपनी लाइफ को लेकर, अपने करियर को लेकर, अपने लाइफ पाथ को लेकर। आपकी जर्नी कहाँ जा रही है आपको कुछ समझ ही नहीं आ रहा, सिचुएशन क्या है। थोड़ा ईगो से ऑपरेट कर सकते हो, थोड़ा गुस्सा आज के दिन ज़्यादा आएगा। छोटी छोटी बातों पर आपको ऐसा लगेगा कि आप सुना दे बढ़िया से सामने वाले को, ठीक है। आपको ऐसा भी लगेगा कि आप बहुत मिस कर रहे हैं अपने पर्सन को, रोमांटिकली आप बहुत ज़्यादा अपने पर्सन को मिस कर सकते हैं। क्योंकि देखिए, जो चंद्रमा का गोचर है पंचांग के अनुसार, वैदिक एस्ट्रोलॉजी के अनुसार, वैदिक ज्योतिष के अनुसार, मिथुन राशि में गोचर हो रहा है चंद्रमा का, और वेस्टर्न कैलेंडर के अकॉर्डिंग कैंसर का न्यू मून है ये कर्क राशि। तो कर्क राशि इमोशनल होती है, बहुत ज़्यादा इमोशनल। छोटी छोटी बातों पर रोना आ जाए, छोटी छोटी बातों पर आपको गुस्सा आ जाए। और जेमिनी कम्युनिकेटिव राशि है, बातचीत हो सकती है, लव रोमांस हो सकता है, थोड़ी इमेच्योर एक्टिविटीज़, कुछ ऐसा कार्य आप कर सकते हैं जिसमें आपने सोचा समझा नहीं, बस आपने कर दिया। तो इस तरह का आपकी एनर्जी हो सकती है। तो दोनों ही राशियों पर ज़्यादा इफेक्ट होगा कंपेयर टू अदर्स। आपका सन साइन, मून साइन या असेंडेंट अगर जेमिनी है या कर्क है तो आपके उन सिचुएशंस में थोड़ा इफेक्ट ज़्यादा हो सकता है दूसरों के कंपैरिजन में। होता सबके ऊपर है क्योंकि चंद्रमा या सूर्य का इफेक्ट सबके ऊपर होता है। तो यहाँ पर आप में से ज़्यादातर लोग ईगो से ऑपरेट करेंगे ऐसा नज़र आ रहा है। छोटी छोटी बातों पर बहस हो सकती है, गुस्सा ज़्यादा आ सकता है। इसके अलावा पॉजिटिव चीज़ों की बात करूँ तो यूनियंस बहुत सारे होंगे। आपको अपने पर्सन की याद बहुत ज़्यादा आएगी अगर आप नो कॉन्टैक्ट में हैं तो। आपको ऐसे अंदर से इच्छा आएगी कि यार सामने से कॉल कर देते हैं, बातचीत कर लेते हैं, मैसेजेस कर लेते हैं, क्या जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सकता है। वो डांट सकता है, वो ब्लॉक कर सकता है, तो वो तो वैसे भी बात नहीं हो रही, चलो रिस्क लेते हैं, ये वाली वाइब्स है। इवन आप सोशल मीडिया पे कुछ ज़्यादा ही एक्टिवेट हो सकते हैं इस टाइम पीरियड में। न्यू मून के समय पे सोशल मीडिया पे आपका जो टाइम है वो ज़्यादा बीतेगा। बहुत सारे रील्स देखना, बहुत सारे फ्रेंड्स को एक्सेप्ट करना, बहुत सारे लोगों से बात करने का मन करेगा, चैटिंग करने का मन करेगा कि कोई मिल जाए, आपका टाइम पास हो जाए, बात हो जाए थोड़ी देर, किसी का हालचाल ले लिया। इवन इस टाइम पीरियड में आप बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बहुत सारे स्टोरीज, डीपी चेंज कर सकते हैं। अपने पर्सन को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए जो कुछ हो सकता है आप कर सकते हैं, ऐसी वाइब्स है। कुछ लोगों के लिए ये जो टाइम पीरियड है ऐसा लग रहा है कि आप किसी सेलिब्रेशन का पार्ट बन सकते हैं। कहीं कोई सेलिब्रेशन है, पूजा पाठ है, कोई गुड जो एनर्जीज़ हैं, अच्छी एनर्जीज़ को लेना।
जहाँ भी आपको अच्छी एनर्जी मिलेगी आप वहाँ बैठेंगे, अच्छी वाइब्स आएगी वहाँ बैठेंगे, मंदिर में बैठेंगे, मस्जिद में बैठेंगे, गुरुद्वारे में बैठेंगे, जहाँ पर भी भक्ति होती है वहाँ बैठेंगे, चर्च में बैठेंगे, शांति जहाँ मिल जाए, नदी के करीब बैठेंगे, किसी पार्क में बैठेंगे, किसी गार्डन में बैठेंगे, इस तरह की वाइब से किसी गुरु का सत्संग सुनना अच्छा लगेगा। कोई आपके घर में कोई पंडित आते होंगे, आपके कुल पंडित होंगे, उनकी बातें सुनना अच्छा लगेगा। जहाँ पर भी ऐसी बातें हो रही हैं जो कि गुरुओं से रिलेटेड हैं, भगवान से रिलेटेड हैं, कोई स्पिरिचुअल स्टोरीज़ हैं, एंशंट हमारे कोई पुराण है, कोई हिस्ट्री है, उससे रिलेटेड कोई बात हो रही है, आपको लगेगा कि यार यहाँ से तो उठने का ही मन नहीं कर रहा, काश कि ये बात चलती रहे, ऐसी वाइब्स है। बहुत ज़्यादा इमोशंस आपके हाई रहेंगे, इमोशंस को सही दिशा देना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है? क्योंकि अगर गलत दिशा में चला गया तो गुस्से का रूप लेगा, फ्रस्ट्रेशन का रूप लेगा, आपको नींद नहीं आएगी, भूख प्यास बंद हो जाएगी, ऐसा लगेगा जैसे मुझे कुछ नहीं खाना, कुछ नहीं पीना, मुझे बस एक ज़िद है उसको पूरा करना है तभी मुझे संतुष्टि मिलेगी, अदरवाइज़ मैं दुनिया तहस नहस कर दूँ, ये वाली वाइब्स है। वेटिंग से परेशान हो सकते, आपको इंतज़ार बिल्कुल करने का मन नहीं करेगा, अपने पर्सन का भी, और अगर गलती से आपके किसी दोस्त ने मित्र ने कहीं बुलाकर आपको इंतज़ार करा लिया, उसके बाद क्या होगी वो भगवान ही जानता है। आपके पर्सन की तरफ पहला कार्ड है 4 of Swords, देन वी हैव 6 of Cups, देन वी हैव 2 of Pentacles, देन वी हैव द सन, देन वी हैव 5 of Pentacles, देन वी हैव 10 of Pentacles, ओवरऑल एनर्जी वी हैव 8 of Wands। ऐसा लग रहा है जैसे आज के दिन आपके पर्सन को आपकी बहुत याद आएगी, ऐसा लग रहा है जैसे कि ये बहुत क्विकली आपके पास वापस आना, आपसे मैसेजेस करना, बातचीत करना, आपको इनकी तरफ से कोई मैसेज रिसीव हो सकता है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, इनके बारे में कोई मैसेज रिसीव हो सकता है, जैसे इन्होंने किसी दोस्त के थ्रू आपको कोई मैसेज भेजवा दिया, या कोई ऐसा मैसेज इन्होंने स्टोरी पे अपलोड कर दिया, स्टेटस पे अपलोड कर दिया, कोई ऐसा स्टेटस लगा दिया जिसको देखकर आपको समझ में आ जाएगा कि ये आपसे बात करना चाह रहे हैं या चाह रही हैं, ये वाली एनर्जी है। इनडायरेक्टली या डायरेक्टली आपको रीच आउट करने की कोशिश करेंगे। आपके पर्सन के लिए ये जो एनर्जी है आज की, ऐसा लग रहा है कि ये आपको तो बहुत ज़्यादा मिस करेंगे, तो यहाँ पे आपको मैसेजेस, कॉल्स आ सकते हैं, बातचीत हो सकती है, मुलाकात हो सकती है, लेकिन थोड़ा ईगो में रहेंगे, ईगो से ऑपरेट करेंगे। यहाँ पर ऐसा लग रहा है जैसे इनकी फैमिली और आप, अगर दो सिचुएशन है, यहाँ एक तरफ आप है, एक तरफ कोई अदर सिचुएशन है, तो ये किसी एक सिचुएशन से ब्रेकअप कर सकते हैं पूरी तरह से, एंडिंग, क्योंकि ये किसी एक सिचुएशन से बाहर निकलते हुए नज़र आ रहे हैं। एक पर्सन यहाँ है, ये पीछे हट रहे हैं, बैकआउट कर रहे हैं, ऐसी वाइब्स है। ज़्यादातर फैमिली से रिलेटेड सिचुएशंस यहाँ नज़र आ रही हैं, जैसे आज का दिन इनकी फैमिली से दूर जाना या फैमिली से डिटैच होना, या जो भी थर्ड पार्टी सिचुएशन है आपके और आपके पार्टनर के बीच में, उससे रिलेटेड कुछ यहाँ पर ब्रेकअप सिचुएशन, कुछ कठोर वाणी बोल सकते हैं इनके घर वाले इनको, या ये अपने घर वालों से कुछ बहस कर सकते हैं। थोड़ा स्वर्ड्स की एनर्जी है यहाँ पर सन के साथ, तो सन और स्वर्ड्स मिलके यहाँ पे बहुत ज़्यादा उत्पात मचा सकते हैं, बिकॉज़ यहाँ पर एनर्जी ऐसी है जैसे कि बातों से विवाद हो सकता है। तो आपके पर्सन आपको अगर बात कर रहे हैं तो ये आपको बता सकते हैं कि यार फैमिली में अच्छा नहीं चल रहा, पिता से झगड़ा हो गया या माता से झगड़ा हो गया, या प्रॉपर्टी को लेकर कोई मैटर चल रहा है, या जॉब को लेकर पापा ने कुछ कह दिया, मूड ख़राब है, कुछ भी, मतलब शादी को लेकर कुछ सिचुएशंस ऐसी हो सकती हैं। फाइनेंशियली भी इनके लिए थोड़ा बैड टाइम है, बैड फेज़ है, ऐसा लग रहा है। कुछ लोगों के पर्सन के लिए आज का दिन ऐसा है जैसे या तो इनका या तो आपका बर्थडे है, कोई सेलिब्रेशन है, आपके पर्सन एक गेट टुगेदर अरेंज कर सकते हैं, आपको इनवाइट कर सकते हैं, या आपको मैसेज कर सकते हैं अगर आपका बर्थडे है तो। अगर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है तो कॉन्टैक्ट में बदल सकती है, लेकिन अगर कॉन्टैक्ट सिचुएशन है तो इनका मूड थोड़ा सा अपसेट नज़र आ रहा है। याद करेंगे, सामने से मैसेज करेंगे, आप बातचीत कीजिए। अगर ये दूरी बना रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं, डिस्टेंस बना रहे हैं, तो लेट गो कीजिए, बहुत ज़्यादा चेज मत कीजिए। साथ ही साथ कुछ लोगों के पर्सन को आज के दिन कोई फाइनेंशियल लॉस इंडिकेटेड है,
जैसे इनका कोई इम्पोर्टेंट सामान खो जाना, मिसप्लेस हो जाना, कोई फाइल मिसप्लेस हो जाना, या डांट पड़ जाना इनके वर्क प्लेस पर अगर ये कहीं जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, तो हो सकता है कि कोई इनका बहुत करीबी स्टाफ है जो छोड़ दिया, अचानक से नोटिस दे दिया, जिसके कारण इनका मूड अपसेट हो सकता है कि यार वो काम अब कहाँ से होगा, कौन करेगा। साथ ही कुछ लोगों के पर्सन के लिए आज का दिन ऐसा हो सकता है कि या तो इनके पिता की तबीयत ख़राब हो सकती है, पिता या दादा की, और या तो फिर इनको कोई गुड न्यूज़ मिल सकती है, कोई रिवॉर्ड मिल सकता है, जैसे पेरेंट्स की तरफ से कोई प्रॉपर्टी मिल जाए, या जो भी बॉस है इनके ऑफिस में उनकी तरफ से कोई रिवॉर्ड मिल जाए, या कोई इंडिकेशन मिल जाए कि आपका अगले महीने प्रमोशन हो सकता है। इस तरह की कोई एनर्जी भी आज के दिन इनके साथ हो सकती है। सो ओवरऑल आपके पर्सन की और आपकी एनर्जी ठीक है, कुछ बहुत ज़्यादा नेगेटिव नज़र नहीं आया मुझे, बट स्टिल आपके पर्सन की एनर्जी में थोड़ी सी नेगेटिविटी मुझे दिख रही है। सो आप सतर्क रहिएगा अगर आप कॉन्टैक्ट में हैं। सो यदि गाइज आज की एनर्जी, मिलते हैं इसके बाद करंट फीलिंग्स नेक्स्ट एक्शन के वीडियो में। करंट फीलिंग नेक्स्ट एक्शन इसके बाद मैं जल्दी ही पोस्ट कर दूंगी, ताकि आप में से ज़्यादातर लोगों को रिक्वेस्ट आता है कि जल्दी पोस्ट किया कीजिए, तो जल्दी ही पोस्ट होती है, 12 से 2 के बीच में होती है, बट मैं कोशिश करूँगी कि 12 बजे तक ही पोस्ट कर दूँ। सो मिलते हैं, टिल देन टेक केयर गाइज, बाय बाय।